चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीआरपीएफ को अमित शाह देंगे नव निर्मित भवनों की सौगात। तो अमित शाह 15 भवनों का उद्घाटन करेंगे। सीआरपीएफ कैंप में लगवाएंगे 4 करोड़वा पौधा। तो फिलहाल आपको बता दें, सीआरपीएफ को सौगात दी जाएगी। आज अमित शाह 15 भवनों का उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह आज ग्रेटर नोएडा में होंगे, जहां पर सीआरपीएफ को कई सौगात देंगे, नव भवनों की सौगात दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीआरपीएफ कैंप में 4 करोड़वा पौधा लगाया जाएगा। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र ठाकुर इस वक्त सीधे बने हैं ग्रेटर नोएडा से। नरेंद्र, कब तक पहुंचने का कार्यक्रम है और इस वक्त तैयारियां क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, अब से कुछ देर बाद ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ कैंप में। और आप हम उसी जगह पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ पूरी तरह सीआरपीएफ के जवान और पुलिस बल तैनात किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर कह सकते हैं कि जो पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। और अब से कुछ देर बाद ही जो गृह मंत्री अमित शाह है वो ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे और यहां पर पहुंचकर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे और उसके बाद कर्मचारी और जो वहां पे अधिकारी हैं उनको भी संबोधित करेंगे और साथ के साथ कुछ भवनों का ई उद्घाटन सीआरपीएफ के कैंप में तैनात रहकर उद्घाटन करेंगे। चलिए नरेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।